हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और आज के दिन हम बात करेंगे वैसे विकास लाइफ शेयर के बारे में। जो आपको पता है, आज के दिन 1% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिल जाता है, जो करीबन इसके बारे में हम बातचीत करने हैं। कल के दिन में वैसे मैंने आप लोगों से सजेस्ट किया था कि दोस्तों इस स्टॉक को नज़र में रख सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता है आप कितना अप जाएगा आप कितना डाउन जाएगा। तो इस स्टॉक में हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या हो सकता है आगे आने वाले नए इन्वेस्टरों के लिए। जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए, होल्डिंग पे चल रहे, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता है आज के दिन में एक टाइम तो स्टॉक लगभग 5.35 रुपये के आसपास ओपनिंग देता है, ठीक है। तो लगभग 5.35 पे ओपन है, 5.35 हाई है, 5 रुपये इसका लो भी देखने को मिल जाता है। तो एक टाइम इसके अंदर लो भी सर्किट देखने को मिल गया था, और करीबन उसके बाद में स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी क्यों आने को देखने को मिल जाती है। अब करीबन मैं आपको बोलते बोलते स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7% रिटर्न दे चुका, क्योंकि स्टॉक को आप लोगों को पता है अभी ये बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक दिन अपर सर्किट लगने के बाद दूसरे दिन ही पता चल गया था कि स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को क्यों नहीं मिल रही। खास वजह क्या है इसकी, क्योंकि आपको पता है इसका क्वार्टर 2 रिजल्ट थोड़ा लॉस के अंदर देखने को मिला था। उसके बावजूद आपको पता है क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों हम देखने देते हैं, तो आपको पता है ये जून 2022 तक ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। तो आपको पता है अब कौन बोल रहा है, मुझे ऐसा कमेंट भी आया था कि सर ऐसा अब की बार थोड़ा लॉस देखने को मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वार्टर रेवेन्यू की बात कर ले 282 करोड़ के आसपास ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेट इनकम की भी बात करें दोस्तों, लगभग हमें पता है 7 करोड़ के आसपास, 700 के आसपास परसेंटेज के आसपास तेज़ी देखने मिलती है। नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तेज़ी, यहाँ भी देख लो तेज़ी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कॉस्ट रेवेन्यू देखने को कितना मिलता है, लगभग 270 के आसपास कॉस्ट रेवेन्यू ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है जो आपके सामने है, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉक अच्छा है, आपको पता है कुछ लोग ऐसे बोला क्वार्टर की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि स्टॉक के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। एक टाइम धीरे धीरे एक रेंज के अंदर चल रहा है, करीबन 5 रुपये से लेके 5.30 रुपये तक पैसे के आसपास, ठीक है। तो करीबन ये स्टॉक 5 रुपये के आसपास ज़्यादा एक मंथ से ज़्यादा हो गया यहाँ पे ही देखने को मिलता है। और कुछ मेरे को ऐसा भी कमेंट आता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला और ऐसा भी रहने वाला है, अभी लॉस होने वाला है, ये होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको पता है स्टॉक में अपर सर्किट भी लग गया था, 2 दिन भी अपर सर्किट देखने को मिल गया था, दूसरे दिन भी, और उसके बाद में स्टॉक में गिरावट हुई है, ठीक है। तो आपको पता है अभी प्रीवियस क्लोज की भी बात करें, लगभग 5.25 रुपये इसका प्रीवियस क्लोज था, करीबन आज की दिन की तेज़ी करें तो लगभग 5 पैसे की तेज़ी देखने को मिल जाती है। करीबन दोस्तों नए इन्वेस्टर हो गए जैसे अभी कि सोच रहे हैं कि हमें अमाउंट लगा देना चाहिए नहीं लगा देना चाहिए, क्या 5 रुपये फिर से आएगा। सोचो दोस्तों 5 रुपये आज के दिन में भी आया था, अगर आप लोग सोचते हो तो आप 5 रुपये आज भी देखने को मिल गया था। जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए तो उनका तो अभी आपको पता है स्टॉक ने लॉस भी देखने को नहीं देता है। स्टॉक मतलब एक तरह से कैपिटल अमाउंट है जो हमारा इसने सेव करके रखा है वैसे, ठीक है। और कैपिटल अमाउंट वास्ते में इसके अंदर सेफ रहने वाला है, तो आप आँख बंद करके भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20-30% नए इन्वेस्टर लगा के चल सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। और मेरे आई थिंक क्योंकि 20-30% लगाओगे तो आपका इतना बड़ा लॉस भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अब साल भर की क्या बात करें, कल के दिन में भी बोला था रिटर्न है, 5 वर्ष की भी बात करें लगभग 100% रिटर्न है, और ऑल टाइम की भी बात करें लगभग 100% रिटर्न है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें 5 दिन के अंदर लगभग 7% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया। और दोस्तों जब तक 30-40% रिटर्न ना निकाल दे स्टॉक, जब तक एग्जिट मत करना, ठीक है। तो स्टॉक अच्छा है दोस्तों, इसको डेफिनेटली आप लोग सोच सकते हो। हर रोज़ वीडियो बना के आप लोगों को यही बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसके बारे में नज़रअंदाज में रखो, क्योंकि स्टॉक आपके हाथ से निकल गया रिटर्न दे गया फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग इसे बाय करके या अपने एडवाइज़र वगैरह से सलाह लेके इसको बिल्कुल बारे इसके बारे में बिल्कुल सोचिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।